ट्रक ड्राइवर देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम है। इन पर देश के कोने कोने में सामान पहुंचाने की जिम्मेदारी है, लेकिन धीरे धीरे अब इस काम में ट्रक ड्राइवरों की रुचि कम हो रही है। यहां तक कि कई चालक नहीं चाहते कि उनकी आने वाली पीढ़ी ट्रक चलाने के काम से जुड़े। क्या चाहता है एक ट्रक ड्राइवर पिता? इस खास सीरीज जी न्यूज और महिंद्रा नेवी स्टार की भागीदारी में हो रहे महिंद्रा नेवी स्टार ट्रांसपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड 2011 का हिस्सा है। इन रास्तों पर सुबह होती है, इन रास्तों पर ढलती है शाम। हाथों पर जिम्मेदारी सिर्फ स्टेयरिंग संभालने की नहीं, कंधों पर परिवार का भविष्य भी टिका है। खुद तो दिन रात ट्रक चलाते हैं, पर क्या अपने बेटे को भी एक दिन इसी जगह बैठे देखना चाहते हैं? नहीं नहीं, बच्चे को इस लाइन में लेना चाहिए। कोई पढ़ा लिखा के अच्छा सर्विस करना को मेरे बच्चे को। ज्यादातर ट्रक चालक नहीं चाहते कि उनका बेटा ट्रक चलाए। इसके पीछे कोई एक वजह नहीं। ट्रक चालक को आज भी वो सम्मान नहीं मिलता जिसका वो हकदार है। हाईवे पर पुलिस और अधिकारियों की बेरुखी झेलनी पड़ती है, सो अलग। खर्चे ज्यादा हैं, कमाई कम, ऊपर से सुरक्षा के नाम पर कुछ खास नहीं। हादसा हो जाए तो मालिक को गाड़ी की फिक्र पहले होती है, ड्राइवर की जान की परवाह बाद में। सच्चाई कड़वी है, लेकिन हकीकत यही है। यह है उड़ीसा का केउंझार इलाका। इस नेशनल हाईवे पर पिछले 18 दिन से रमेश चंद्र ट्रकों की कतार में रुके हुए हैं। यहाँ ये एक खदान से ट्रक में माल भरने का इंतजार कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कि जो जद्दोजहद हर दिन इन्हें करनी पड़ती है वो इनका बेटा भी करे। आखिर एक ट्रक चालक पिता पहले है, ड्राइवर बाद में। हमारे बच्चे कोई डॉक्टर, कोई अच्छे आदमी, मास्टर बने, कोई समाज की सेवा कर सके, लेकिन ये कोई समाज की सेवा नहीं होता है। ट्रक चालकों की ये सोच देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक 100 में से 10 ट्रक बिना चालक के स्टैंड पर खड़े रह जाते हैं। देश में 72 लाख छोटे बड़े कमर्शियल वाहन हैं। ये गिनती लगातार बढ़ रही है, लेकिन चालकों की गिनती 5 से 10% घटी है। भविष्य में ये कमी और बढ़ेगी। 2015 तक देश में 50 लाख ट्रक चालकों की जरूरत होगी। फिलहाल 30 लाख ट्रक ड्राइवर भारी और मध्यम भारी वाहन चलाते हैं, लेकिन अगर ट्रक चालकों के हालात में कोई बेहतर बदलाव नहीं आया तो समस्या बड़ी हो सकती है। हम चाहता है हमारा छोटा छोटा बच्चा है, और तो पढ़ा लिखा के कोई नौकरी सरकार तरफ तो मिल जाता है तो अच्छा है। वो पढ़ा लिखा के चाकरी करेंगे, वो गाड़ी लाइन के नहीं आता है। देश भर में सरकार द्वारा चलाए जा रहे रोजगार कार्यक्रम ट्रक चालकों के लिए बेहतर विकल्प खोल रहे हैं। ऐसे हालात में ट्रक चालकों की इस काम में दिलचस्पी बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। उनके हालात सुधारने के लिए उन्हें सम्मान, अच्छा वेतन और नई पहचान दी जाए। केउंझार से डीएन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़।